मानू माँ की घर वापसी 20 साल बाद। यूं तो वृंदावन और दिल्ली के बीच का फासला इतना नहीं है, हाँ विधवा आश्रम और घर के बीच का फासला बहुत है। इतना दिन बोला, देखो स्कूल का नाम मेरे को लिख दो, ठिकाना भाव अच्छी तरह लिख दो। हाँ जी प्रवीण जी, हाँ कहाँ आना है? बहू अभी भी बोल रही मम्मी पास ये बहुत दिन तक रही वृंदावन, अब चलो घर, तुम्हारा ही बेटा है, तुम नहीं रहो तो मैं कैसे रहती है। मैं गुम जाएगा तो मेरे लिए क्यों ढूंढेगा नहीं, कोई भी ढूंढेगा नहीं, और मर जाएगा तो कोई भी फेंकने वाला नहीं। क्यों बेटा नहीं आएगा? मैं जिधर गई अभी भगवान का पास जैसे, वो मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर पाएगी। लौटते ही यादों की कई परतें उधड़ने लगी हैं, कानों में पड़ते भजन के स्वर बहुत जाने पहचाने लगते हैं। दो साल पहले जब मैं यहां अपना कैमरा लेकर आई थी तो कोई मुझसे नजर नहीं मिलाता था, यहां कौन जानता था मुझे, मेरे जैसे बहुत आते हैं यहां अपना कैमरा लेकर। ये क्या बना? हम पागल दासी हैं, हम तो बिहारी जी की गलियों में पागल हो गए हैं, हम पागल दासी हैं, पागल हमारे आगमन होने लगती तो यही है मेरा गुंडा। बहुत प्यार करती है माँ। माँ भी करती है, हम भी तो कब से ये कर रहे हैं, लेकिन आने के लिए बोल रहे तो मम्मी को तो हम यहाँ उसके देख मेरा टाइम है कहाँ। ये पोता है देखो। बस
खाना बनाते हैं शुरू से ही मैं यहाँ आके तो मैं मम्मी के हाथ से पूजा देने वाला था जब मम्मी आ जाए तब पूजा करूँगा मतलब कीर्तन वगैरह किसी को जिंदगी का इंतजार है किसी को मृत्यु का तो किसी को कृष्ण का मुझे इंतजार है सरकारी आश्रमों में फिल्मिंग के लिए अनुमति का मैंने अर्जी तो लगा दी है लगता है कृष्ण के इंतजार में उम्र बीत जाएगी उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल में हजारों विधवाएं हैं जिनके सर पर छत नहीं है तकरीबन 2500 विधवा औरतें वृंदावन में रहती हैं इनमें से 800 औरतें सरकारी आश्रमों में कुछ गैर सरकारी आश्रमों में और बाकी सड़क पर रहती हैं क्या होता है घर का होना क्या घर मात्र एक काल्पनिक दिमागी कीड़ा है या फिर समय और भूगोल में बंधा हुआ एक निजी संसार इस आश्रम में कई सौ संसार एक दूसरे से सटे खड़े हैं हैरानी होती है कि इन औरतों का संसार मात्र एक चारपाई तक सिकुड़ गया है मृत्यु के बाद शमशान घाट तक भी तो एक चारपाई ही जाती है फिर खाली जगह पर नई चारपाई आ जाती है Thank you.
मीरा सहभागिनी, वृंदावन में सबसे बड़ा सरकारी आश्रम है। इस आश्रम में लगभग 350 औरतें रहती हैं। दूर से देखने में सब एक कश्ती पर सवार लगती हैं, पर हर एक की अपनी जीवन यात्रा है, हर एक के अपने संघर्ष। बचपन में ही शादी दे दिए, मेरी उम्र तब 12 साल का था। हाँ, तो बहुत शराब पीते थे और शराब पीकर आकर हम कन्हैया को सेवा करेगा, हमको बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, इतना मार मारते थे, बेहोश कर देते थे। तो ऐसा बेहोश कर देते थे जो हमको कोई शरीर में ज्ञान नहीं रहता। तो मेरे पापा एक दिन बताया, ये देखो रतनिया का तुम मत मारो, हम बहुत मारा है, मार कर देख लिया है, मेरे पापा एक घुट्ठा सब फोड़ दिया है मार मार कर। तब बड़ा लड़का था 4 साल का, छोटा लड़का था 3 साल का, लड़की था 2 साल का। सबको छोड़ के चले गए। चले जाने के बाद मैं 16 साल बच्चा लोग का लेके हम गुजारे। हम राधा रानी का एकादशी व्रत निर्जला 48 साल किए हैं। हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। क्या हो गया, कुछ हो गया? क्या हुआ है तुम लोग तो? दादी मैं सुनाता हूँ, आज मेरे लिए सब आ गए। पहले मैं सुनाऊंगा, ये गाय बीच में बोल रहा है। वन हु लीड्स लीडर, वन हु बैट, हिंदी बता इसकी। वंस कंट्री हिंदी, कॉन्स्पिरेटर, अब तू बोल हिंदी, तू हिंदी पढ़ पढ़ मार मार के बोलेगा तू। अच्छा पढ़े नहीं ना, मारे छिका है। हाँ, मेरे लिए सब आगे का विषय है कि मुझे स्वच्छ भारत विषय पर कुछ बोलने का अवसर दिया गया है। वैसे तो नन्ना सा बालक हूँ। वैसे तो मैं नन्ना सा बालक हूँ, देखो अक्षर का कितनी भूल कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तुरंत समझाया था मैंने, सही तो पढ़ रहा हूँ। नन्ना बालिक नहीं तो कथी है, बुढ़वा है। क्या पढ़ा, कुछ समझ आया तुमको? रहा है, कुछ समझ आया? आया आया तो आया नहीं तो की। अब सुनाओ क्या समझ आया? हम बोल नहीं सकेगा उतना नहीं। हाँ तो कुछ तो मीन्स तो समझ आया उसका। हाँ। तुम समझ ही नहीं पाई, पढ़ ही नहीं पा रहा, मैं ही नहीं समझ पाया, तुम कहाँ से समझेंगी? हमें तो समझ में, ढंग से पढ़ा, हमें तो समझ में आया है, ढंग से पढ़ बता। खाली थप। हाँ, हमको डर के डर डर के डर डर के डर डर के रहना पड़ता है। जो दिया आप लोग इस अधिकारी बना दीजिए, ये बच्चा लोग आश्रम में जाएगा, आएगा, खाएगा और बच्चा चले जाएगा। इतना हमको अधिकारी बना दीजिए। बनाने के बाद फिर कोई मैया जो आश्रम में दादागिरी करके और हमको फटकार के बैठा देते हैं, हम चुप से रह जाते हैं बच्चा का डर से। हमको तो मजबूरी है, हमको बहुत मजबूरी है, हम बोलेगा तो हमको निकाल देगा। बहुत अच्छा है। खुले दरवाजों पर अनकही बंदिशों के ताले हैं। घर छूट जाने का अर्थ अंकुश मुक्त हो जाना नहीं है, बस जगह बदल जाने पर
चौकीदार बदल जाते हैं। सोलहवीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के साथ बंगाल और पूर्वी भारत से बेघर विधवा औरतों का वृंदावन आना शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि आज 21वीं शताब्दी में भी उनके आने का सिलसिला बादस्तूर जारी है। सुविधाएं मिल रही हैं, आश्रम वाले इनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या इनको सुविधाएं चाहिए। जैसे अभी आपने अक्षय पात्र वाली बात की, तो यहाँ अक्षय पात्र का खाना आता था, वो खाना इतना खराब था कि कोई माता खा नहीं पाती थी, सब शिकायत करती थी। उस खाने की भी हमने रिकॉर्डिंग करके पूरी भेजी थी सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा जो इनको फूड मनी नहीं मिलती थी और अन्य जो असुविधाएं थी, उन सबके लिए हमने लिखा था। मैं बीच में आ गया। इन लोगों का तो जीवन स्तर सुधर गया, जो इन लोगों का जीवन स्तर है माताओं का, वो तो थोड़ा सा एबव हो गया, बट जो स्ट्रीट पर रह रही है ना, उनके लिए अभी तक गवर्नमेंट, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। इससे बदतर स्थिति स्ट्रीट पर रहने वाली महिलाओं की है। हम लोग की जो उस टाइम रिपोर्ट गई थी, उस टाइम हमने 6000 की दी थी, और टोटल का तो अंदाजा इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वृंदावन एक धार्मिक क्षेत्र है। पूरे ब्रजमंडल की बात करें तो राधाकुंड, बरसाना, इन सबों की, सब जगह की अगर हम सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बात करते हैं, तो कम से कम हमको मिल जाएंगी 20000 के आसपास मिल जाएंगे। वृंदावन में हाथ पसारने वाली हर एक विधवा औरत की कभी एक गृहस्थी, कभी एक रसोई रही होगी। अन्नपूर्णा कहलाने वाली इन औरतों को जब खुद भूखा सोना पड़े तो कैसा लगता होगा। हमें ना चाहिए हीरे मोती, हमारे बांके बिहारी, मुरली वाले मिले हमको प्राणों से प्यारे, उन्हें छोड़ के कैसे चले जाएं? आप लोग बताइए जी। हम पंजाब के हैं जी, पंजाब के। कितों दे जी, तुसी कितों दे हो? हैं जी, कितों दे? हां जी, हाय हाय, मैं मर जावां जी, तू ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। हां जी, पहले क्यों ना बोली तू भी ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ। प्यारी प्यारी मेरी किशोरी, सामनी सामनी सामनी, हो मेरी शाम, ए दे ए मेरे समान रखियो, ए मेरे ब्याह, ए मेरे मान के ब्यारी, इत्थो आ जाएंगे तू, इत्थो इत्थो आ जाएंगे, ए देखो ए मेरे मान के ब्यारी रखे हुए ने, ए मेरे गुरुआ जी है, भी मैया रहा इतने, तो भी मैया का यह सा बैड है, साडा बैड ये भी मैया, तो इन्नी मेरी थान, इन्नी थान से भी मैं रहन नहीं देंदे ने, यह भी देख लो, मैं बुआ खोल दें ने, तो मैं राती ठंड भी लगती, मैं सर्दी आई है, हम मैं ठंड लगती बड़ी, की करा मैं बड़ी दुखी पुत्र। श्री हरिदास, यह देख लो अद्धा मीटर हुई थी बस, ਇਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ 'ਚ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਂਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ, ਬਾਂਬੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਰ, ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਏ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਹਾਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਿਛਾਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ। चलो तुसी बच्चे आ गए, वो मेरी बेटी आ गई बिहारी जी, मेरा दिल थोड़ा खुश हो गया। कुछ करो पुत्र, फिर मैनू दसो।
मैं इत्थों निकलना चाहती हाँ जी। নিচের ঘর যেরকম সেই রকমই হয়েছে, হ্যাঁ এইটা একটু বড়, ঠিক আছে তোমাদের ঠিক আছে, আমারও ঠিক আছে। তোমার মন তসল্লি হয়েছে যে ছেলে বানিয়েছে কিছু, ছেলে কিছু করতে পেরেছে। আমি যেখানে আছি আমি ওখানে ঠিক আছি। বাহ, তুমি তো, আমি তো জানি তুমি ওখানে রাজার হালে আছো, শান্তিতে আছো, ভালো আছো, খুব ভালো। দে ভাই একটু চা দে, দে তারপর আমরা আবার গাড়ি। হ্যাঁ মানে দেখা হবে, এই তো বন্ধুরা, আজকে ছুটি করে, আজকে ছুটি করে, আজকে কি করে জানবে তুমি, বন্ধু বন্ধু দাও তো জানি, আমি কি জানি আমার পাপা দেখে এখানে ওদের কাজের জন্য আমাকে পাঠাইছে, আমার কাজের জন্য পাঠিয়েছে থরি আরো কালি হচ্ছে এবার দেশে যাবে নাকি নাতি পঞ্চি সব সব তো জানিস, জানা অজানা তো কিছু নেই তোর। রাধা কান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চনে গৌরাঙ্গিনী, मिट्टी में माधव को तराशने वाले पुतले में देवी को देखते हैं। एक औरत की नजर बहुत कुछ देखती है, वह भी जिसे यह पुरुष प्रधान समाज देखना नहीं चाहता, जिस समाज ने औरत को हमेशा उपभोग की वस्तु समझा है, वही उसके पुतले को देवी मानकर पूछता है।
पुतला बनाने वाले भी पुरुष हैं, पूजने वाले भी, और पूजने के बाद उसका विसर्जन कर देने वाले भी तो पुरुष ही हैं। जिस औरत पर पुरुष की मोहर ना हो उसे ये पुरुष प्रधान समाज स्वीकार नहीं करता। इसीलिए माँ, मासी, बहन की संज्ञा देकर फिर पुरुष से संबंध का जामा उनके अस्तित्व की पहचान बन जाता है। लेकिन कितनी खोखली हैं ये संज्ञाएं। इन विधवा औरतों को मैया कहकर पुकारने वाले इन्हें गाली देने और दुत्कारने में कोई वक्त नहीं लगाते, बेशक वो प्रशासन हो या फिर हम जैसे लोग। सुप्रीम कोर्ट हैज डॉक्यूमेंटेड दैट मेनी ऑफ देम अर्न जस्ट 18 रुपीस और लेस अ डे। मोस्ट ऑफ देम आर getting lot of funds, lot of things they are getting. Rich devotees are coming and but let me ask you, starting with money and khana peena, khana peena, khana peena. जो मर जाती ना, कोई कपड़ा ना तो कोई बोड़ी ऐसी में बांध के जमुना में ले जाती, उसको जलाने जो आदमी है डोम उसका हाथ में पैसा दे देती है, आधी पानी में आधी ऊपर, ऐसी तरीका रखती है। कोई कुत्ता खाती, कोई सियाल खाती है। खाना पीना कुत्ता खाती, कोई सियाल खाती। खाना पीना इस एक वृंदावन में कई वृंदावन बसते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वृंदावन में समय एक अनंत काल है, जिसमें निरंतर मंथन से कई काल उभरते और विलीन होते रहते हैं। सबका एक समय है, एक स्थान है। काल की लहरों के बीच से कई चेहरे मेरे मानस पटल पर उभरते हैं। मैया लोग, तीर्थयात्रियों का सैलाब, वीकेंड निर्वाण की खोज में दिल्ली से आए भक्तगण, सब उभरते डूबते वृंदावन के ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। वृंदावन में कृष्ण कहाँ बसते हैं? कोई भी बड़ा पर्व हो, खासकर जन्माष्टमी और राधा अष्टमी, ऐसा लगता है मानो सभी ने अपने अपने हिस्से के कृष्ण पर कब्जा कर लिया है। वैसे तो धर्म से भौतिकता का गहरा रिश्ता है। जहां सैकड़ों को पीने के लिए पानी नसीब नहीं, वहां दूध की नदियां बहाने से क्या हासिल। और ये
कोई कृष्ण को अपने घर ले जाना चाहता है। मूर्ति, माला, लॉकेट, कैलेंडर जगमग करते इन बाजारों में कृष्ण बिक रहे हैं वृंदावन में। पर अगर कृष्ण कण कण में हैं, तो दिल्ली और वृंदावन में क्या अंतर? देखो, ठंडा भजन गाने से अच्छा है। हमारा पापा बोलता है, बेटी हमारा देश में क्या भगवान जी नहीं है? माँ भी बोलता है, मेरा भाई भी बोलता है कि वृंदावन में भगवान जी है, यह भगवान नहीं है, इधर भी है तो यह रही जा मेरे नहीं वृंदावन में हमारा अच्छा है, और हमारा बंधु है, भाई है, सब है उधर, और तो हमारा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं देश में भी नहीं जाता है हमारा देश में। यह अच्छा लगता है भजन करने के लिए, अपने घर से भजन करो, वह भजन होता है वह भी भजन करो बस। मुकुट टेढ़ा है अभी ठाकुर जी का, ठीक है भालो भालो। वृंदावनी क्यों? वृंदावन में भजन का जगह, मीराबाई को मालूम है? मीराबाई मेरा बहु क्या गाछ छोड़ के यहाँ आया भजन करने के लिए। ठीक है आया तो इसलिए मैं सब छोड़ के यहाँ आया भजन करने के लिए। लेकिन यहाँ जो माई लोग ज्यादातर मैया लोग हैं, सब लोग ज्यादातर लोगों का पति नहीं है? कोई कोई पति है, कुछ किसी को नहीं, किसी को है, बेसी पोती वाला उनका पोती है। उनको छोड़ दिया, उनका पोती दूसरा शादी कर लिया ऐसा, और उनका पोती खत्म हो गया। तो जो भी ऐसा औरत है जिसका जिसके सर पे पुरुष नहीं है, तो सब कृष्ण भगवान को क्या मानते हैं? पोती मानता है। कैसे कैसा? तुम्हें हमारा पोती है, तुम्हें हमारा बंधु है, तुम्हें हमारा सब है, सब तुम हमारा यह काल है, तुम हमारा परो काल है। राधे राधे बोलो। राधे राधे। फोटो तो देते देते तो बुढ़ो हो गेलाम गो, अन्नाले शरीर फोटो लेके जाने ना जेरे फोटो तुम नियति करे ठीक है, अन्नाले शरीर फोटो ही तुलो, फोटो तुले तुले मैं पागल हो गेलाम। छोटा बड़ा तो नहीं है, छोटा बड़ा तो है नहीं, है ना? आज छोटा बड़ा होले टांग दे फलाई जाना लेते ए की हो गयो बड़ा हो गयो बड़ा था। ब्रज में होली खेलने लोग दूर दूर से आते हैं, पर फागुन में भी इन औरतों की सफेद चादरों तक रंग के छींटे नहीं पहुंचते। लेकिन आज कुछ खास है, आज पहली बार सब बंदिशें तोड़कर इस विधवा आश्रम में होली है। अभी से सब रील खत्म कर देगा तब खेलने का टाइम क्या करोगी भाई? Oh, yeah.
भिक्षा और भक्ति के चक्र में फंसी ये औरतें भीख मांगकर सिर्फ जीवित भर हैं। जिस समाज में विधवा हो जाना एक अभिशाप माना जाता हो, वहां इन औरतों को ना करुणा मिलती है ना इज्जत। शारीरिक शोषण, आर्थिक तंगी और अवहेलना का शिकार ये औरतें वृंदावन तो आ गईं, पर क्या सिर्फ कृष्ण नाम जीवन बसर करने के लिए बहुत है? वृंदावन के विशाल ब्रह्मांड का ये एक ऐसा हिस्सा है कि जिन्हें देखकर भी कोई देखना नहीं चाहता। सन 2012 है। वृंदावन की विधवा औरतों की बदहाली के किस्से अखबारों की सुर्खियां बने। तब सुप्रीम कोर्ट ने सुलभ इंटरनेशनल को आश्रम में रहने वाली मैया लोग के भोजन की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन अभी भी ब्रज में सड़क पर रह रही कई हजार विधवाओं पर किसी की कृपा दृष्टि नहीं है। भगवान आए हमारे को कभी दो दो हजार देन लगे तो हमारे के पेट पलन लगे, हमारे तनक सुख भीख मांगे तो घूमित रहे सब। ऐसे पाठक जी के भगवान आ गए तो पाठक जी की बहुत बहुत धन्यवाद है। मैडम ऐसे बोलता है जब बैंक में जाओ सोलो बाबा की रुपया लेने तो फिर हमको छत में जाना है नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलते मीठे खाने के लिए दो मैया किस कुछ, हम लोग को तो रुपया अभी तक मिला नहीं है, नौकरी करता है रुपया मिला नहीं था। मैं थोड़ा कोई बोल ठीक है चलो दे दो 50 रुपया, हम लोग को 2000 मिला चलो 50 रुपया ले लो, ऐसा देती हम लोग और लेते भी है। नाम कार्ड देंगे तुमको, बाहर कर देंगे, पागल खाना भिजवा देंगे। तुम क्या काम की हो, क्या क्यों रह रही हो इधर, क्या नजायज किए हैं? ये कौन कहता है आपको पागल खाने में? जो नया स्टाफ आया है अभी नखलऊ वाले,
वो कहते हैं हमको। वो संदीप, संदीप करके नाम है, वो तो इतना बदतमीज चचक बोलता है, क्या बोल उसको, उसको तमीज ही नहीं है, माँ मासी बहन का तमीज ही नहीं है उसका। और हमारे स्टाफ में जो मैडम है बैठी हैं, उनने आज ताला लगा दिया, हमको आने नहीं दिया, और अभी बोला है कि तुम जाओ बाहर, हम तुम्हारे सामान फेंक देंगे। फेंको फेंको, कोई बात नहीं, हम सड़क में रहने की आदत है हमारा, हम लोग तो ताला बंद कर दिया, कोई बार नहीं खोलेगा, सब खुलेगा, सब खुल जाएगा, बाबा हमारे साथ है, हमको कोई चिंता नहीं है। बाबा बाबा क्यों करता है, बाबा क्या है, सड़क में उठाया हमने, बाबा सड़क नहीं उठाया, बाबा सड़क से उठाया हमको। तुम इस तरह क्यों कर रहा है, क्या कारण है? बिंदेसर पाठक को दाता दान कर रहे हैं, उनको दाता दान के बीच में तुम लोग ऐसे टांग अड़ा कर ये दाता को सबको मन विच्छेद करके तहस नहस करके इनको बर्बाद करने मांगते, कारण क्या है? सरकार एक कारण को जवाब आपको देना ही है, नहीं दीजिएगा तो रतनिया दासी आपको चैतन बिहार में फांसी लगा के मरेगा, ये समझ के रख लीजिएगा। ये साधारण कोई मैया नहीं है, 48 साल साधना करके बैराग पाए हैं हम। माता पिता जिसका हाथ पकड़ के दिया, उससे भी मैं इतना प्यार, इतना सुख नहीं पाया, स्नेह, इतना आदर, इतना ममता कोई चीज नहीं मिला। एक तो प्यार मोहब्बत की बात है, और हमको लगता है कि हमारे घर के लोग हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए, इनको जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, उसी ख्याल से हम यहाँ आते हैं। और इस प्रकार से इतना स्नेह प्यार ये देते हैं, उतना हम भी देते हैं। जो मैया आप लोग सब मिल के हमारे पास आया ना, हम बहुत 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 खुश हैं। अदमी मेरा बीमार था, मेरे को मालूम नहीं जब शादी हुई, बाद में पकड़ लिया उसको भी। मेरा पापा जो दिया सोना दाना जो कुछ दिया सब बेच के उसको सेवा करी, तो वो भी मेरे को छोड़ के गई। विसर्जन देने का बाद एक महीना था पापा का घर, मैं दो बच्चा का एक गद्दी में लिया, एक हाथ पकड़ाया बाहर निकल लिया। मैं बहुत दुख से, बहुत कष्ट से मैं इतना दूर आया, मेरे का दुख बोल नहीं सकती। लास्ट में जो दीवा पाठक जी आके थोड़ा आनंद सुख मिला, वो भी भगवान सन नहीं कर पाते, भगवान इतना निष्ठुर है। वृंदावन ही क्यों आई? मेरा बेटा अच्छा नहीं है, दारू पीती है, घर में आके लड़ती है, कोई काम नहीं करती है, दो आदमी लड़ाई करती है, मेरे को दुख लगता, मेरे को कुछ नहीं बोलती है, बहू भी नहीं बेटा भी नहीं, बस निकल गए। उसका पर जाने का इतना सहज नहीं है, वृंदावन आई धाम पे आई, इसी में मैं झूठ बोलूंगी, चोरी करूंगी, फाकी देंगी, आदमी का संग गलत बात करूंगी, तो ये सब तो कोई काम नहीं है, ये सब तो धर्म नहीं है, है? तो सच्ची बात में चलो, सच्ची रास्ता में चलो, सच्ची बात बोलो, तब कुछ तो ना कुछ मिलेगा, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये आपसे बात करी कितना मैं झूठ बोली क्या पता है, बोल सकती? आप सच बोल रहे हैं, बोल भी सकती है, ये तो सोचेगा मेरा सब गलत है। मैं झूठी है, तो अपना कौन है दुनिया में? तो भगवान जो अपना था वो भी चल गए,
वो भी छोड़ने को मन गई। मेरा इतना पापी सदेह हो गया, पापी हो गया। ठीक है कि नहीं, यही मैं सोच रही। इसीलिए मैं भगवान को बोल रही, हे भगवान, जो जितना दुख देना है दो, लेकिन तुम्हारा चरण में स्थान दियो और पुनर्जन्म हमारे को दियो ना, नहीं चाहिए। তোমার সব রাধা রানীর কৃপা। মানমা চা, মানমা জল, মানমা খাবার। রাত্রে কি খাবে? সব কাছে ভালো হয়েছে, এত সেবা তো আমি দিতে পারবো না। আমি নিজের কর্ম করব না তোমার সেবা করব। ওখানে তো সেবা করার অনেক তোমার ছেলে মেয়ে। तुमको जब छोटे था तुमको पढ़ाई करने के बहुत कोशिश करी और बहुत मारपीट भी करी, अभी तक मेरा दिल में है, मैं भूली नहीं। लेकिन तू अभी खाली है, इतना बड़ा मुकाम बनाया, सबके संग मिल के रही, हमारा दिल भर गया, हम बहुत खुश हैं। बस इसके लिए तो खुशी से मैं मेरा आंसू आ गए। देखो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, अच्छा हुआ। राधा रानी जो किया अच्छा किया। बोला ना, एक पोती पांच दिन के, एक महीना पांच दिन के छोड़ के मैं गई। ये मेरा वृंदावन का राधा रानी है, ये मेरे को आश्रय दिया। कोई आपको बात करना है? हम लोग आप हम जब से आए हैं आप कोई बात नहीं, मेरा हमारा बेटा से मेरा कोई बात नहीं। मैं करना चाहूँ तो मेरे बात सुनते कहाँ है? कोई माने सुनती? इनकी नाम से जमीन लिया हूँ, वो पड़ा है ऐसे ही। चलाओ क्या रे? इसलिए रोता हूँ, सब कुछ है मेरे पास, भगवान के दिए हो। मम्मी के लिए रोता हूँ, बेटा है, बेटी है, सब कुछ है। मम्मी को रुकने बोलता नहीं रुकता। राधा रानी ले लिया छीन के मेरे से, हो सकता है मेरे से ही कमी हो कुछ। राधे जय हो, बहुत दिन पर आयलम, बहुत दिन पर जाकर सकते थोड़ा भालो लगलो, इतनी अभी खुशी और इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना ही बहुत। चलो अच्छा हुआ मम्मी से मिल लिया। आप भी आ जाइए 10 तारीख को दीपावली में, है ना? बाबूजी जाएंगे ना? दुनिया में कुछ नहीं है, सब माया। जिसे जाना होता है उसे भला कौन रोक सकता है? यदि मैं बहुत जीतती है मैया, मेरा एक मुख से जो बात निकल जाएगा ना, मैं वही कष्ट करूंगी जब भी हो। राधे राधे, हरे कृष्णा। मानुमा, आरती, रतनिया, हर एक की अपनी यात्रा है, हर एक की अपनी तलाश। कृष्ण कब किसे मिलेंगे? कृष्ण की माया
कृष्ण ही जाने।